अस्सलाम वालेकुम, हानिस किचन में आप सबको खुश आमदीद है। आज मैं आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप लोगों की वजह से मैं अपना इस मंथ का वॉच टाइम पूरा कर पाई हूँ। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपके साथ सीख कबाब के इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी। जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत है, जीरा और खुश्क धनिया मैंने भूनकर इसको पीस लिया है एक एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हसबे जरूरत है। दो दरमियानी साइज की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया मैंने बारीक काट लिया है, दो खाने के चम्मच इसमें पपीता पीस लिया है मैंने, एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, तीन से चार अदद हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, आधा कप मैंने चने का पाउडर ले लिया है जो इसमें चार चम्मच खाने के चार चम्मच यूज होगा, और थोड़ा सा ऑयल, और इसमें मैंने कीमा बारीक पिसा हुआ हाफ के जी कीमा मैंने इसमें लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके मिक्स करूंगी। इसमें मैंने पपीता डाला है सबसे पहले। पपीते का हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। मैंने कीमे में पपीता बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं एक एक करके इसमें बाकी चीजें मिक्स करूंगी। इनको मैं अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स करूंगी। ये अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है और तीन चम्मच इसमें मैंने चने का पाउडर डाला है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसमें जी तो ये मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसके सीख कबाब बनाऊंगी। हाथों में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। ये आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने स्ट्रॉ ले लिया है, मैं स्ट्रॉ से इसको बना रही हूं। बहुत ही इजी, आप घर पे इस तरह बना सकते हैं। जैसा कि रमजान आ रहे हैं आप लोग सीख कबाब बना के इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं वन मंथ के लिए। अफ्तार में बहुत अच्छे से आप फ्राई कर सकते हैं इसको। जी मेरे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। ये पैन मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इनको मैं फ्राई करूंगी। थोड़ा सा ऐसे ऑयल डालेंगे इस पे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। ये भी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक एक मिनट मैंने एक साइड को कुक किया है। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया इसका।
खुशामदीद हुई। मेरे सीख कबाब बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसका मैं बाजार जैसा टेस्ट करने के लिए इसको कोयले का धुआं लगाऊंगी। आप लोग भी घर पर ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं लगाएं। जी तो ये हमारे सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ गया इनमें। आप चाहें तो कोयले का धुआं लगाएं और चाहें तो नहीं लगाएं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ऊपर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और बहुत शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।